विदेशी बाजारों से मिलीजुले संकेत, उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बयान से अमेरिकी बाजारों पर बना दबाव, डाउ जोन्स में दिखी गिरावट, नेस्डेक नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद, एशियाई बाजारों में मामूली बढ़त के साथ कारोबार, मामूली तेजी के साथ एस&पी कर रहा है ट्रेड। मॉनसून के अनुमान में सुधार के संकेत, मौसम विभाग ने जारी की नई रिपोर्ट, सुधार होने पर 100% भी हो सकती है बारिश, पिछले कई दिनों में एलनीनो की संभावना कम हुई। रिजर्व बैंक ने लिया पहला प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, आईडीबीआई बैंक को रिजर्व बैंक ने लिखी चिट्ठी, एनपीए और एसेट के नेगेटिव रिटर्न पर मांगा गया जवाब, एनपीए के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा। भारतीय एयरटेल के नतीजे ऑपरेटिंग आधार पर अच्छे रहे, चौथी तिमाही में अभिटा मार्जिन अनुमान से अच्छा रहा, वहीं आय आरपू अनुमान के मुताबिक रहे, वहीं इंडिगो का मुनाफा अनुमान से बेहतर, अन्य आय ने दिया मुनाफे को सहारा, ₹34 पर शेयर डिविडेंड की भी हुआ घोषणा। आज आएंगे हीरो मोटो सीमेंस के नतीजे, जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक चौथी तिमाही में 11.5% घट सकता है हीरो मोटो का मुनाफा, सीमेंस के मुनाफे में दिख सकता है करीब 22% का उछाल।